नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान के बारे में, विज्ञान अकादमी, ठीक है, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के बारे में। आज बात करने वाले हैं आज UNFCCC के बारे में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ठीक है। तो UNFCCC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना रियो सम्मेलन 1992 के दौरान हुई थी। कब हुई? 1992 में। याद रखिए, UNFCCC एक संयुक्त राष्ट्र का अंग है। इसके सदस्य या पक्षकार देशों की बात करें तो 197 देश इसके पक्षकार हैं। इसका सचिवालय आपका बॉन जर्मनी में है, बॉन जर्मनी। अपने सचिवालय से जलवायु संबंधित कार्यों और नीतियों का संपादन करता है आपका UNFCCC। UNFCCC के उद्देश्यों की बात करें हम लोग तो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का ध्यान आकर्षित करना और साथ ही नीतियों का निर्माण करना UNFCCC का मुख्य उद्देश्य है। UNFCCC के कार्यक्रमों की बात करें हम लोग तो इसके कार्यक्रमों में शामिल है प्रत्येक वर्ष UN के सदस्यों की बैठक का आयोजन करना, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप के नाम से जाना जाता है, इसके कॉप के नाम से। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और जो आपका पेरिस जलवायु समझौता 2015 जैसे प्रसिद्ध सम्मेलनों का आयोजन इसी के तत्वाधान में किया गया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में। यह जलवायु से संबंधित हालिया सम्मेलनों की बात करें तो ये आपका COP24 दिसंबर 2018 में हुआ था, यह आपको काटोविक्स पोलैंड में हुआ, COP24 आपका पोलैंड में हुआ था, जबकि जो आपका COP25 था दिसंबर 2019 में सैंटियागो चिली में आयोजित किया जाना था, लेकिन चिली ने इस पर असहमति, जो भी प्रॉब्लम रही हो, असहमति जताने के बाद इसे COP25 को मैड्रिड स्पेन में किया गया था, मैड्रिड स्पेन में, स्पेन का शहर है मैड्रिड, वहाँ किया गया था। याद रखना COP25 कहाँ किया गया? मैड्रिड स्पेन में। जो आपका 26 है, क्या है? COP26, ये आपका किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। UNFCCC या प्रतिवर्ष जलवायु संबंधित रिपोर्ट भी तैयार करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ मोमेंटम फॉर चेंज के नाम से, ठीक है। तो ये आपका UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन। आगे हम लोग बात करेंगे रीकैप का, ISC रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बेटिंग प्रेसी एंड अर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया के बारे में, ठीक है।